चैप्टर नंबर 7 मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. नोट द नेम ऑफ द चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. Right. What is the name of the chapter? System of particles and rotational motion. Before this chapter, we had done, I think, motion in straight line. In motion in straight line, जो है object जो है straight line motion में था, उसका velocity v, उसका mass m, और जो है उसका momentum बन जाता था p is equal to mass into velocity, और उसके ऊपर force लग रही थी, force is equal to mass into acceleration. ये सब हम पढ़ चुके हैं. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं rotational motion की. रोटेशनल मोशन, अब पार्टिकल जो है रोटेट करेगा अबाउट दिस इज अ सेंटर पॉइंट एंड पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज रोटेशनल मोशन. तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगा, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा इस चैप्टर में, फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, टॉर्क घुमाने वाली फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देती है. तो रोटेशनल मोशन ये जो हमारा चैप्टर है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है. Let us learn some definitions, understand some definitions related to this chapter. Am I audible and is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. First definition is particle. What is particle? Particle kya hota hai? An object. एन ऑब्जेक्ट, मेरे साथ नोट करना है साथ में, एन ऑब्जेक्ट हैविंग फाइनाइट मास. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट मास होता है उसको पार्टिकल्स बोलते हैं. सिस्टम कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. What is system? A collection of large number of particles. Note it. Example. Rod है हमारे पास, rod है, solid rod है. Rod is a collection of large number of particles. छोटे छोटे rigid particles की बनी हुई है. This is a system, इसको सिस्टम बोल देंगे. या फिर स्फीयर, ये भी एक सिस्टम है. या फिर सिलेंडर, सोलिड सिलेंडर ले लो या हॉलो सिलेंडर. दिस इज ए सिस्टम मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल. सिलेंडर या फिर रिंग. दिस इज ए सिस्टम. बहुत सारी एग्जाम्पल जैसी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नोटेड बेटा, नोटेड, रिप्लाई करना है. यस सर. इंटरनल फोर्सेस. मान लो ये रॉड है, दिस रॉड, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इट मींस लार्ज, मान लो एक पार्टिकल ही है, एक पार्टिकल ही है, इन दोनों के बीच में फोर्सेस हैं, तभी ये साथ में है. बहुत सारे पार्टिकल जैसे, और जो फोर्सेस इनको होल्ड कर रही है तभी ये रॉड बनी है. जैसे चौक हो गया, चौक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल पार्टिकल्स आर टुगेदर विद ए फोर्स इज नोन एज इंटरनल फोर्सेस. सारे के सारे पार्टिकल एक फोर्स के साथ जो है आपस में साथ में है. तो इंटरनल फोर्सेस क्या हुई? द फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस होल्डिंग ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम. द फोर्सेस विच होल्ड्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम टुगेदर.
note it. Internal forces. Note it. Reply करना है, quick reply. Reply करो बेटा. Sir. Yes sir. External forces. Suppose करो this is a mass m, वो sphere ले लिया, इसको आपने force लगा दी external force. तो इसमें velocity आ गई, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कोई और पोजीशन हो जाएगी, मास वही रहेगा. ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस. लिखिए द फोर्सेस ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन ऐसी फोर्सेस जिनके कारण ऑब्जेक्ट्स मोशन में है एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी जैसे स्टील बॉल है, स्टील बॉल एक लेड बॉल ले लेते हैं, इसके अंदर स्टील बॉल के ये दो पार्टिकल हैं, इसके अंदर दो पार्टिकल्स, इनके बीच में अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हो, इन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. रिजिड बॉडी होती है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज फिक्स्ड. स्टील पे लगाओगे आप फोर्स तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है थोड़ा सा चेंज होगा, उसका हमें पता नहीं चलेगा, वाइब्रेशन इज वेरी स्मॉल. कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती, थोड़ा सा चेंज होगा, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. लेड बॉल में थोड़ा ज्यादा पोजिशन चेंज हो जाएगा, अगर लेड बॉल है प्लास्टिक बॉल है तो दो पार्टिकल के बीच को जब आप फोर्स लगाओगे तो दो पार्टिकल के बीच का पोजीशन डिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा. लेकिन रिजिड बॉडी ऐसी होती है कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता. तो मैं क्या लिखूंगा, लिखो द रिजिड बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स remain unchanged. With the application of large force. अगर आप large force भी लगा दो, the body in which distance between two particles remain unchanged with application of large force लगाने में भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है. नोटेड बेटा. नोटेड. यस सर. यस सर. अब हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर वन लिखिए, सेंटर ऑफ मास. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर डीएवी ने पूछा था अपने पेपर में, 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडरलाइन. हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग शेप्स में होते हैं, जैसे रॉड. रॉड इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल. हम रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं. ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्स साइड, दिस इज वाई साइड, दिस इज ओरिजिन,
This is a जेड साइट. ऑरिजिन का मतलब आप हो, यू ऑब्जर्वर, आप यहां पे हो. ऑरिजिन का मतलब आप खड़े हो यहां पे. अब देखो, रॉड इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. जब ये रोटेशनल मोशन में होगी तो ऐसे रोटेट करेगी. यहां पे रॉड का पोजीशन मान लो ऐसे आ जाएगा. ऐसे आ जाएगा रोटेशनल मोशन. इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. रॉड तो सिमेट्रिकल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स अनसिमेट्रिकल भी होते हैं. तो जब हम इनकी वेलोसिटी से डील करते हैं कि जब ये रोटेशनल मोशन में है पार्टिकल्स, हम ऐसा नहीं बोलते कि एक पार्टिकल नंबर वन, पार्टिकल नंबर टू, पार्टिकल नंबर थ्री सारे जो है. हम क्या करते हैं, किसी एक पोजिशन को सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं. एक पोजिशन इसका सेंटर ऑफ मास है, हम उसी को देखते हैं कि वो कहां मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी मेजर करते हैं. इस जहां से आप देख रहे हो वो सेंटर ऑफ मास इस पोजिशन पे है. ये पोजिशन आर मान ली मैंने सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मास क्या हो गया, इस जो रॉड है, इस रॉड का वो पॉइंट जहां पे हम ये मान लेंगे कि सारे के सारे सिस्टम का मास लाई कर रहा है, इससे रिलेटेड मैंने अब ये सेंटर ऑफ मास. अब हम पार्टिकल्स तो ये आगे पीछे जा रहे हैं तो इसका यहां पे भी सेंटर ऑफ मास ही देखूंगा मैं. यहां से सेंटर ऑफ मास ऐसे है, ऐसे नहीं है, इधर से नहीं है, इधर से है. सेंटर ऑफ मास ऐसे, सेंटर ऑफ मास. हम वेलोसिटी किसका कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देखेंगे. सब पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं देखेंगे. हम बोलेंगे कि सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. इसका डेफिनेशन लिखिए, सेंटर ऑफ मास इज ए सिंगल पॉइंट. सेंटर ऑफ मास इज ए सिंगल पॉइंट इनसाइड सिस्टम वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम, वेयर होल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. जहां पे हम मान लेते हैं कि सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, फुल स्टॉप. नोट कर लिए बेटा ये लाइन. नोटेड, रिप्लाई करो. यस सर. सेंटर ऑफ मास क्या बोला मैंने, इट इज ए सिंगल पॉइंट इनसाइड द सिस्टम वेयर होल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. और इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, ये आप हो यहाँ पे ओरिजिन पे, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. यहां से इसकी पोजिशन सेंटर ऑफ मास की आर होगी. जब ये मूव करेगा तो आर की वैल्यू चेंज होगी. तो इसको लेके भी डेफिनेशन बनाया गया है, इट इज ए पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहां से आप सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी वेलोसिटी देख रहे हो, इसकी मोशन देख रहे हो, इसका मोमेंटम देख रहे हो, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ये देख रहे हो. दैट इज ओरिजिन. इट इज ए पोजिशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन विच मैथमेटिकली टेल्स अस द मोशन और पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बिकॉज सेंटर ऑफ मास. अब बात करें, ये तो रॉड थी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है. लेकिन अगर मैं रिंग की बात करूं, रिंग बनता है ऐसे, ये रिंग बन गया. तो रिंग के पार्टिकल जैसे हैं यहां पे, सेंटर ऑफ मास तो मास पे लाई करना चाहिए. अब रिंग के अंदर कोई मास ही नहीं है, यहां पे तो जीरो मास है. तो रिंग का सेंटर ऑफ मास करता है इसके सेंटर में लाई, जहां पे कोई मास है भी नहीं है. रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करता है, वेयर देयर इज नो एक्चुअली मास. Because the center of mass of ring lies inside its center, where actually no mass exists, right? Center of mass वहां भी lie करता है जहां पे mass नहीं है. एक और example लेता हूं मैं. जैसे ये earth है, ये sun है, ये earth है. Earth revolve कर रही है इसके around, sun के around, earth के around moon revolve कर रहे हैं, राइट ऐसे. अब मून और अर्थ के बीच का जो मास होगा उसको हम सेंटर ऑफ मास लेंगे, क्योंकि दोनों दोनों जो है
तो ना तो मून तो छोटा है, मून का साइज देखो छोटा है, अर्थ का साइज बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, नियर द अर्थ, इधर जैसे लाई करेगा क्योंकि मून तो बहुत छोटा है, या ऑन द अर्थ, यहां पे सेंटर ऑफ मास यहां पे भी लाई करेगा, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल तो ऐसे ही आने हैं जब ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन में। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? कितना नोट हो गया? यस सर। और बच्चे भी रिप्लाई करें, मैं आगे मूव करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस सर। Yes, sir. This concept is very important. लिखिए center of mass of two particle system. Center of mass of two particle system. Expression for this expression. For center of mass of two particle system. देखिए लेट, लिखिए लेट टू पार्टिकल्स हैविंग मास M1 एंड M2 M1 एंड M2 ये दो पार्टिकल है M1 और M2 टुगेदर अगर ये टुगेदर है आपस में तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, M1 और M2 के बीच में फोर्स है, इसका सीधा सीधा मतलब है M1 एंड M2 होल्डिंग टुगेदर विद इंटरनल फोर्स, अच्छा इंटरनल फोर्स की बात खत्म कर लेंगे, ये M1 है और ये M2 है, F 2 पे लग रही है फोर्स 1 लगा रहा है, F 1 पे लग रही है फोर्स 2 लगा रहा है, लेट F1 2 फोर्स ऑन मास M1 ड्यू टू M2 और फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स, और F21 फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। अब आपने देखा एक फोर्स तो लग रही है इधर, एक लग रही है इधर, दोनों बराबर है फोर्सेस, F21 इज इक्वल टू F12 न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, कॉन्सेप्ट क्या बना, इट इज इक्वल टू F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप लेफ्ट साइड में ले लो, इसका मतलब हुआ सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस
इज इक्वल टू जीरो। इस चैप्टर में हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके बीच की फोर्सेस क्या रहती है, जीरो। सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अब ये जो दोनों मास हैं ये ऐसे हैं, वैसे बिल्कुल क्लोज है आपस में, अब मान लेते हैं कि ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। लेट F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। F एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम की। अब ये वाले डायग्राम बनाइए, ये देखो मैंने मास ये दूर दूर रिप्रेजेंट किए हैं आपस में डिस्टेंस पे, बनाइए डायग्राम। इज अ मास M1, जल्दी बनाना है। इज अ मास M2, इनके बीच में इंटरनल फोर्स हमने जीरो कर दी, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर। यहाँ पे दिखाया गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस है, मास M1 एंड M2। M1 का पोजीशन वेक्टर R1, M2 का पोजीशन वेक्टर R2, और इनके बीच का ये जो पॉइंट है मैंने सेंटर ऑफ मास मान लिया, CM जो लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास। R1, R2, कैपिटल वेक्टर, ये सारे क्या हैं, पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन को बता रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। अब R1 किसका पोजीशन वेक्टर है, M1 का, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, M2 का, फ्रॉम ओरिजिन। कैपिटल R और इसके बेस में सेंटर ऑफ मास लिखा है, किसका पोजीशन वेक्टर है, M1 प्लस M2 का, M1 प्लस M2 का पोजीशन वेक्टर है। नोटेट, रिप्लाई कीजिए, डायग्राम भी बनाइए। यहां पे आप यू ऑब्जर्वर, बेटा रिप्लाई करो जल्दी, बना ली डायग्राम? यस सर। ओके यशिका, बेटा बना ली डायग्राम? यस सर। बहुत डिटेल में पढ़ना है इनको। तो मान लेते हैं अब एक्सटर्नल फोर्स एफ लगी, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिख लेते हैं पहले। टोटल मास ऑफ सिस्टम is equal to M, it is equal to M1 plus M2, M1 plus M2। जब आप सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाओगे दोनों पे, तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं A is equal to acceleration of system। जब मैं सिस्टम बोलूं इसका मतलब दोनों मासेस, ए जो है एक्सेलरेशन है सिस्टम की। अब हम और डीप में जाते हैं, मान लेते हैं एम वन मास को फोर्स लगी एफ वन, और एम टू को लगी एफ टू,
और इसमें आया एक्सेलरेशन एम वन ए, एक्सेलरेशन जो है एम वन और इसका एक्सेलरेशन जो है ए वन आ गया ए वन, और सबके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी लगानी है जहां जहां वेक्टर है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एम टू और ए टू, तो F1 मेरे पास बन गया F2, तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2, जैसा आपको बताया गया है। लेकिन बट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है dx बाई dt, होता है एक्सेलरेशन होता है dx बाई dt। जब ये ऑब्जेक्ट सारा सिस्टम मोशन में है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो एक्सेलरेशन मास m1 की एक्सेलरेशन कितनी बनेगी? a1 dv ओवर dt आना है, dv1 डिवाइड बाय dt, और a2 कितना बन जाएगा? dv2 डिवाइड बाय dt। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम a1 और a2, फोर्स इज इक्वल टू मास m1 dv1 डिवाइड बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू डिवाइड बाई डी टी। अगर ये इसकी वेलोसिटी वी वन है, इसकी वी टू है, तो आर जब ये मास यहां पे पहुंच जाएगा तो आर वन में भी चेंज आएगा, और ये यहां पे पहुंच जाएगा तो आर टू में चेंज आ जाएगा। तो इनकी जो वेलोसिटी है वी वन, वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने जो लिखा, ये देखो एक चीज गलत लिखी यहां पे, ये डी एक्स नहीं होता, ये डी वी होता है, बोल दिया करो बीच में, इसको देख के लिखा है। वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। यहां पे जो वेलोसिटी पार्टिकल नंबर वन का जो वेलोसिटी आएगा, दैट इज इक्वल टू डी आर वन में चेंज आ रहा है डिवाइड बाई डी टी, और v2 इज इक्वल टू डी आर टू में चेंज आ रहा है डिवाइड बाई डी टी। अब v1 और v2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू एम वन डी बाई डी टी ऑफ v1 का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू डी आर वन डिवाइड बाई डी टी प्लस एम टू डी बाई डी टी। वी टू का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वी टू का वैल्यू है डी आर टू, जहां मैं वेक्टर लगा रहा हूं वहां वेक्टर लगा रहे हैं, स्किप नहीं करना है, कुछ गलती नहीं करनी है। फोर्स इज इक्वल टू एम वन, और ये बन जाएगा डी इंटू डी, डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन का मतलब इसका डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर आर वन प्लस एम टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर टू वेक्टर, ये बन गया। अब देखो ये फोर्स, फोर्स की वैल्यू है F1 by F2, F तो हमने लिख लिया फोर्स F। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया? ये d स्क्वायर डिवाइड बाय dt स्क्वायर, ब्रैकेट क्या बचा यहां पे? M1 R1 प्लस M2
art. अब मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन. आई विल राइट इट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको अलग से कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू कैपिटल मास इनटू एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का. फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल एम, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी जो है कैपिटल वी है, इसको लिखूंगा मैं डीवी बाई डी टी. फोर्स इज इक्वल टू एम कैपिटल एम डी बाई डी टी. अब वेलोसिटी, वेलोसिटी पूरे सिस्टम का वेलोसिटी अगर वी है, वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी. लेकिन जब पूरा सिस्टम चलेगा तो कैपिटल आर चेंज होगा सेंटर ऑफ मास का, तो इसको लिखूंगा मैं डी आर बाई डी टी. तो ध्यान से नोट करना इसको, डी आर बाई डी टी सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर चेंज होगा. ये स्टेप समझ में आया, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो जल्दी, टाइम खत्म हो गया क्लास. इस फोर्स की जो वैल्यू बनेगी, अब फोर्स कितना बन जाएगा, कैपिटल एम डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इनटू आर सेंटर ऑफ मास. ठीक है, देख लो कैसे लिखो, और एफ की जगह रख दूंगा मैं एम. राइट साइड में भी है डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू. मैंने वैल्यू पुट कर दी, इस साइड में भी डी स्क्वायर आर डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा कैपिटल एम और आर सेंटर ऑफ मास का पोजिशन. इधर क्या बचा डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इंटू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू. डी टी स्क्वायर से डी टी स्क्वायर कट हो जाएगा, I have the final equation capital M R position vector of center of mass is equal to M1 R1 plus M2 R2. हमने position vector निकालना है center of mass का. This R is a position vector of center of mass is equal to M1 R1 plus M2 R2 डिवाइड बाय कैपिटल M. डेरिवेशन को टू और थ्री टाइम्स लिखें फिर इजी लगेगी. कैपिटल M का वैल्यू है M1 प्लस M2, ये हम पुट कर देते हैं. तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई एम वन प्लस एम. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. जो डायग्राम में मुझे दिख रहा है ये मुझे ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. नाउ देखिए, जब दोनों मासेस इधर चलेंगे इधर इधर चलेंगे तो एक्स चेंज होगा, जब ऊपर चलेंगे तो वाई चेंज होगा.
इसको कैसे लिखेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस जो पोजीशन ऑफ चेंज हो रही है, अलोंग एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, अलोंग वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इट विल बी मोर इजी, वेरी इजी, ज्यादा आसान लगेगा। इसको देख के लिखेंगे एम वन एक्स वन अलोंग एक्स एक्स प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और इसको एम वन क्लास खत्म होने वाला है, इट इज लेस देन, यहां तक पढ़े वाई टू, ये मैं कल आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक्स वन वाई वन क्या है और एक्स वाई टू क्या है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके कल हम न्यूमेरिकल लेंगे, आप इतना पढ़ के आए पहले, पोजिशन वैक्टर क्या है ये?